नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गौरव आईटी क्लासेस पे। जैसे कि आज का टाइटल है हाउ टू ड्रॉ एन इलिप्स हुज मेजर एक्सिस 120 एमएम एंड माइनर एक्सिस 60 एमएम बाय कंस्ट्रक्टिव मेथड। तो आज हम लोग ये वीडियो शुरू करने जा रहे हैं संकेंद्रीय विधि से इलिप्स बनाने के लिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो हम जो आज इलिप्स बनाने जा रहे हैं, ये हमारा एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आज हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इलिप्स बनाना शुरू करते हैं। तो हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है माइनर एक्सिस 60 एमएम। तो माइनर एक्सिस मतलब छोटा अक्ष, तो 60 एमएम है। तो उसके लिए हमें अपने स्केल की सहायता से चाप में 30 एमएम का दूरी भर लेना है। इस तरह से 30 एमएम का दूरी भर लिया। और याद रखिएगा, अभी जो हम बना रहे हैं ये सब हम 2H पेंसिल से बना रहे हैं, यानी पतला वाला पेंसिल से। तो हम शुरू करते हैं। हम चाप की नोक एक जगह पे रख के और ये हमने एक सर्कल बना लिया। इसका रेडियस 30 एमएम है और मतलब कि डायमीटर इसका 60 एमएम। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है मेजर एक्सिस 120 एमएम। तो इसके लिए हमें 60 एमएम का चाप भर लेना है। तो इस तरह से हमने यहाँ 60 एमएम का चाप भर लिया और उसी केंद्र पर चाप की नोक रख के एक और वृत्त बना लेते हैं। इस तरह से। इसके बाद हम इस वृत्त के का जो ये केंद्र है, इस केंद्र से होते हुए एक रेखा खींच लेते हैं। इस तरह से एक सीधी लाइन हम लगा लेते हैं। इसके बाद हम प्रोट्रैक्टर की मदद से, यहाँ सेट स्क्वायर में हमारा प्रोट्रैक्टर लगा हुआ है, हम प्रोट्रैक्टर की मदद से इसे सही से केंद्र पर सेट कर देते हैं कोण बनाने के लिए। इस तरह से हमने इसे सही से बिल्कुल ठीक तरीके से सेट कर दिया है। इसके बाद हम यहाँ जीरो से 30 डिग्री पर एक बिंदु लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पॉइंट लगा लिया 30 एमएम पर। उसके बाद फिर इसमें इसके 30 एमएम बाद यानी कि 60 एमएम पर एक पॉइंट और लगा लिया। उसके बाद फिर 60 के बाद 90 डिग्री पर, उसके बाद 120, फिर 150। इस तरह से हमने यहाँ पे बिंदु लगा लिया है। उसके बाद स्केल की सहायता से हम इस बिंदु को केंद्र से गुजरते हुए अगले परिधि तक मिला देते हैं। ये बहुत ही सावधानी से आप लोग मिलाइएगा, बिल्कुल केंद्र से गुजरना चाहिए। इस तरह से दूसरे परिधि तक, फिर ये जो बिंदु है इसको भी केंद्र से होते हुए गुजारते हैं हम। इस तरीके से दूसरे परिधि तक, नेक्स्ट इसे हम केंद्र से गुजारते हैं बहुत ही सावधानी पूर्वक। फिर अगला जो हमारा बिंदु है उसे केंद्र से गुजारते हैं और लास्ट ये इस बिंदु को भी हम केंद्र से गुजारते हुए आगे की ओर दूसरे परिधि तक मिला देते हैं। इस तरह से हमने सभी रेखाएं खींच ली। इसके बाद बहुत ही ध्यान से यहाँ देखिए, हमने
यहाँ आगे बढ़ाया इस बिंदु और यहाँ इस रेखा के सिरे पर इस तरह से रख के हम यहाँ से एक लकीर नीचे की तरफ खींचते हैं ये रेखा, और नीचे उतना ही खींचेंगे जितना कि यहाँ से अगर हम रेखा खींचेंगे तो यहाँ पे आकर के मिल जाए। हम इस तरह से यहाँ रेखा खींचे और फिर नीचे से भी इसके बराबर तक हम यहाँ तक एक रेखा खींच लिए। फिर स्केल को आगे खिसकाते हुए यहाँ जाकर यहाँ तक रेखा आए, यहाँ तक रेखा खींच लेते हैं ताकि यहाँ से मिलाते हुए यहाँ भी मिल जाएगा दोनों रेखा एक पास। फिर नीचे भी वही यहाँ तक, नेक्स्ट इस साइड आ जाते हैं और यहाँ भी उसी प्रकार इस रेखा के मुंह जब यहाँ पर आके मिल जाएगा, फिर यहाँ से भी और लास्ट इसको भी हम मिला लेते हैं। इतना करने के बाद हम लोग अपनी स्केल से नीचे की ओर से आप ऊपर ले जाइए यहाँ इस तरह से। ये जो दोनों बिंदु है हमारा यहाँ पे छोटे वाले सर्कल के परिधि पर जो ये दोनों बिंदु है, इन दोनों बिंदु के साथ साथ इस रेखा को ऐसे आगे बढ़ाते हुए ये जो हमने पहले वाला रेखा खींचा है वहाँ तक मिला देते हैं। फिर इसे भी इस प्रकार से मिला देते हैं। इसके बाद फिर आगे और यहाँ पे फिर यहाँ भी मिला दिया हमने, ये जो रेखा पहले वाला हमने खींच रखा था वहाँ पे इधर भी मिला दिया। उसके बाद जो ऊपर वाला है पुनः ऊपर वाले रेखा को भी यहाँ हमने ये पॉइंट जो है इसके मुताबिक हम आगे खींचते हैं। यहाँ हमारा नहीं मिला, आगे ऊपर से मिला लेंगे। फिर यहाँ पर हम एक रेखा खींच लेते हैं। अब जो हमारा रेखा नहीं मिला है उसे हम आसानी से मिला लेते हैं बहुत ही सावधानी से। यहाँ इस तरह से हमने मिला लिया। बाकी जो हमारा एक्स्ट्रा यहाँ पे थोड़ा बढ़ा हुआ है इसे हम इरेज कर सकते हैं। इस तरह से जो हमारा एक्स्ट्रा थोड़ा सा बढ़ गया था उसे हमने इरेज कर दिया। यहाँ तक जो हमने किया वो 2H पेंसिल से यानी लाइट पेंसिल से हमने सब कुछ बना लिया। उसके बाद अब बनता है मेन इलिप्स, उसे हम HB पेंसिल यानी कि गाढ़ा वाला पेंसिल से हम बनाने जा रहे हैं इलिप्स। तो सबसे पहले हम एक डॉट लाइन के द्वारा हम इसे मिला लेते हैं ताकि आगे अगर हम मिलाएंगे तो अच्छा तरीका से हमारा इलिप्स बनेगा। इस तरह से हम पहले इस तरह से हमने डैश डैश के द्वारा और इसको इस तरह से गुजारते हुए इस पॉइंट पे फिर इस पॉइंट पे उसके बाद यहाँ पे टच करते हुए इस छोटे वाले सर्कल के परिधि को टच करते हुए फिर आगे निकलते हुए इस रेखा यहाँ इस बिंदु पर फिर इस बिंदु पर उसके बाद यहाँ यानी कि बड़ा सर्कल के परिधि पर यहाँ टच करेगा। इसके बाद इस तरह से इस बिंदु पर और फिर यहाँ से इस बिंदु की नोक पे और फिर छोटे वाले सर्कल पर यहाँ टच करेगा और फिर इस तरह से हमने डॉट लाइन लगा दिया। अब हम इसे डार्क कर लेते हैं और ये हमारा मेन इलिप्स है, इसे हम अधिक डार्क कर सकते हैं। आप लोग भी बढ़िया से इसे मिला लीजिएगा, ये फ्री हैंड है, इसमें कोई भी माप या फिर किसी चाप के द्वारा इसे नहीं मिलाया जाता, इसे हाथ से ही मिलाया जाता है। तो आप लोग जितना अच्छा से मिलाइएगा आप लोग का इलिप्स उतना ही अच्छा बनेगा, हम जो बना रहे हैं इससे भी अच्छा बनेगा आप लोग का। और हम इस तरह से डार्क करते हुए इसे मिला सकते हैं, यहाँ मिला रहे हैं। इस तरह से हमने इसे डार्क कर दिया और हमारा ये मेन इलिप्स तैयार हो गया। आप लोग जितना इसे अच्छा से मिलाइएगा उतना ही सुंदर बनेगा। अब हम इसका नामांकन करते हैं। यहाँ जो मेन हमारा पॉइंट है
मेन केंद्र, इसका नाम हम ओ रख लेते हैं, और फिर यहाँ से हम अपना नाम देना शुरू करते हैं। तो हमारा बड़ा बड़ा वृत्त पर जहाँ जहाँ टच किया उस उसका हम नाम रख लेते हैं। इसका नाम एक, इसका नाम दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह और बारह, ये बारह जगह पे टच करता है। उसके बाद हमारा जो ये इलिप्स है, मेन इलिप्स, ये कहाँ कहाँ टच करता है, किस किस बिंदु पर, उसका भी हम नाम रख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले टच किया था, इसका नाम पी पी वन, यहाँ पे टच किया पी टू, पी थ्री, पी फोर, पी सिक्स, पी सेवन, पी एट, पी नाइन, इसके बाद यहाँ पे टच किया पी टेन, पी एलेवन, सॉरी यहाँ पे टच नहीं किया है, यहाँ पे टच किया पी एलेवन, और फिर लास्ट यहाँ पे पी ट्वेल्व, इस और यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा पड़ गया था, इसे हम इरेज कर लेते हैं इस तरह से। हमारा एलिप्स कंप्लीट हो गया। अब हम इसका डायमेंशन दर्शाते हैं। तो डायमेंशन के लिए लास्ट सिरा के समांतर यहाँ हम एक रेखा इस तरह से खींच लेते हैं 2H पेंसिल से। फिर इस साइड भी हम यहाँ एक रेखा खींच लिए। इसके बाद इन दोनों को मिलाकर दोनों और एरो हेड बना लेते हैं, जो कि 3:1 में होता है। इसके बाद हमारा जो डायमेंशन है, ये हमारा यानी कि मेजर एक्सिस कितना है, 120 mm। तो यहाँ 120 mm हम लिख देते हैं। इसके बाद फिर हमारा ये माइनर एक्सिस है, इसका डायमेंशन भी हम यहाँ दर्शा देते हैं यहाँ। इसके बाद फिर यहाँ पे इसके बाद डायमेंशन 60 mm है, डायमेंशन हम 60 mm दे देते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्किल में इसे शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।